हाथ में तिरंगा, शरीर पर कांग्रेस पार्टी का चोला और नंगे पांव भारत का भ्रमण। स्क्रीन पर दिख रहे हैं राहुल गांधी के जबरा फैन दिनेश शर्मा। पता चला राहुल जी ने मेरे को स्पेशल गेस्ट हाउस मेरे को अंदर बुलाया, वहाँ पे पूरी अरेंजमेंट कर रखी। उस सेलिब्रेट को मैं आपको बयां कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे को राहुल जी ने सरप्राइज दिया था मेरे जन्मदिन पे। राहुल गांधी और दिनेश एक साथ कई बार देखे गए हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से राहुल गांधी का स्नेह अद्भुत है, जिसका वीडियो अब कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के नाम पर दिनेश ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है। ये प्रतिज्ञा ली थी कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना खून पसीना एक करूंगा और बिना चप्पल के संघर्ष को जारी रखूंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने ठान ली। केरल हो या देश का कोई दूसरा हिस्सा, दिनेश शर्मा राहुल गांधी के साथ अक्सर देखे जाते हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी रैली या जनसभा करते हैं, दिनेश वहाँ पहुँच जाते हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ दिनेश की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। जिस तरह अपना दर्द समझते हैं, उस तरह वो देश का भी दर्द समझते हैं और वो इस देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान दे सकते हैं, मुझे लगता है और ऐसा कोई राजनेता नहीं होगा। हैरान करने वाली बात ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी का ये फैन नंगे पांव चला। 30 साल के दिनेश हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। उनका परिवार भी कांग्रेसी है। बचपन से वो कांग्रेस की बातें सुनकर बड़े हुए हैं। वोटर बनने के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को अपना आदर्श माना तो प्रण लिया कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, वो चप्पल नहीं पहनेंगे, यानी नंगे पांव रहेंगे। दिनेश ने बताया कि वो पूरे भारत में राहुल गांधी के साथ घूम चुके हैं। जहाँ भी उनकी रैली होती है वो पहुँच जाते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया।